नमस्कार, मैं अनामिका सिंह, न्यूज एंकर प्राइम न्यूज 24। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्राइम न्यूज 24 के परिवार की ओर से मैं आप सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में बनने वाले राज्य पुरातत्व संग्रहालय को पर्यटन अनुकूल बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि 1.83 एकड़ भूमि पर बनने वाले संग्रहालय के निर्माण में लगभग 60 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बनने वाले संग्रहालय भवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि संग्रहालय में न केवल ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होगी बल्कि यहां आकर शोधार्थी शोध कार्य भी करेंगे। इसके लिए लाइब्रेरी और रिसर्च लैब की व्यवस्था भी भवन में की जाएगी। संग्रहालय में ब्रिटिश काल के दस्तावेज भी उपलब्ध होंगे। भवन में सिंधु घाटी और हड़प्पा संस्कृति के स्वरूप के दर्शन हो ऐसा प्रयास किया जाएगा। संग्रहालय में ई लाइब्रेरी भी होगी और भवन में एक स्ट्रांग रूम भी बनाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालय में आने वाले दर्शकों को पर्याप्त सुविधाएं दिए जाने के प्रबंध होने चाहिए। दर्शकों पर्यटकों को भवन में अनुकूल माहौल मिले इसके लिए भवन के बीच में ही ओपन गार्डन की व्यवस्था भी करें जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे हों। इससे न केवल लोगों को स्फूर्ति मिले बल्कि वे मनयोग से संग्रहालय को देखें। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग में कैफेटेरिया को भी पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि चूंकि संग्रहालय को देखने के लिए बच्चे और महिलाएं भी आएंगी इसके लिए भवन में क्रैच और बेबी फीडिंग रूम की भी व्यवस्था करें। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट।